हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू गोट वर्ल्ड। दोस्तों, चाय पे चर्चा जो अपना शो है, आज वो लेके आया हूँ। शौक दिखाऊंगा मैं शाहरुख भाई का, किंग ऑफ हैदराबादी गोट्स। सो आइए इनसे मुलाकात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम शाहरुख भाई। वालेकुम सलाम भाई। कैसे हैं शाहरुख भाई आप? हाँ भाई, खैरियत। शाहरुख भाई, शौक कर रहे हैं सभी लोग अपने बकरेबाजी में, सारे अपने भाई लोग कर रहे हैं। आप भी एक शौक काफ़ी टाइम से कर रहे हो और माशाल्लाह काफ़ी अच्छा शौक कर रहे हैं। जो आपके करीबी है, जो हमारे बकरेबाज है इधर के करीब, जिन्होंने आपके बारे में बताया था, आपके बारे में मदनपुरे में रियाज भाई ने बताया था मुझे फर्स्ट टाइम कि भाई अगर शौक देखना है, एक मिनी फार्म देखना है तो जाके शाहरुख भाई के पास जाके देखो। तो मैंने पहले टटोला यूट्यूब पर, आप कहीं नज़र नहीं आए। तो ऐसा क्यों था कि मतलब आप इतना बड़ा शौक कर रहे हो लेकिन आपने कभी किसी को बताया नहीं? सेल के लिए नहीं रहते थे, इसके लिए नहीं बताते थे कभी ऐसा। अच्छा, बट कहीं ऐसा वजह तो नहीं है कि नज़र लग जाती है, लोग ये कहते हैं? ऐसा ये भी बात सही है। अच्छा, तो होता क्या है कि अगर आप शौक बताओगे तो लोगों की हिम्मत भी बढ़ती है, क्योंकि अगर मैं देखा जाऊँ तो इन बिटवीन ये जो आपके दो शॉप से दो गाले बोल सकते हैं, और पीछे ही आपने एक फार्म बना के रखा है, मतलब कारोबार और शौक जो है वो साथ में चल रहा है माशाल्लाह। तो जो न्यू कमर है उनको तो मोटिवेट होंगे ये देखने के बाद में। और जो आपकी तारीफ सुना था स्पेशली हैदराबादी गोट्स को लेके, तो ऐसा क्यों हैदराबादी गोट्स ही क्यों? उनकी बात ही कुछ अलग हो जाती है भाई। कान उनके, रुबाब, उनकी आइज़ जो रहती है, ये खूबसूरती का ही उनकी एक लुक हो जाता है, चाम है उनका एक अलग। हाँ, चाम आता है। ओके, एंड इसी जगह से जो आपके पुराने स्टेटस या फोटो देखता हूँ जो पब्लिकली अब तक नहीं आ पाए, इन कई सालों से यहाँ पे काफ़ी बहुत अच्छी क्वालिटी में हैदराबादी गोट्स निकले। अगर आप गूगल पे भी सर्च करेंगे ना हैदराबादी गोट्स करके, हाँ, तो बहुत पुराना 2011-12 के मेरे ही बकरे आते हैं उसके अंदर, फोटोज में, इमेजेस में। सही बात है। जो है ये डिस्कशन कल ही या परसों ही मेरा किसी के साथ हो रहा था, किंग ऑफ हैदराबादी गोट्स। सो मुझे बताइए कि ये शुरुआत कब से हुई थी आपके शौक की? हैदराबादी मेरे पास 2008 से है। उस टाइम पे मैंने एक बकरी खरीदा था वहाँ पर, उससे स्टार्ट हुआ समझो 2008 से। अच्छा, तो बकराबाजी में जितना मेरे को थोड़ा बहुत नॉलेज है, हैदराबादी गोट्स जब से मैं इस लाइन में आया हूँ उनकी डिमांड प्राइस में ज़्यादा ही रही। हाँ, तो उस समय आप अफोर्ड कर लेते थे या कोई दिक्कत आई? मैं तो एक बकरी खरीदा था पैसा जमा करके जब वो टाइम पे। अच्छा, उससे आस्ते आस्ते बढ़ते गए जैसा। और मैं क्या करता हूँ, दूसरे और कुछ भी ब्रीड रखता हूँ छोटे लेके, और वो सेल करके फिर ये बच्चे खरीद लेता हूँ बड़े करके। अच्छा, और इसमें फैमिली सपोर्ट मिला था? मतलब फैमिली वाले साथ थे कि करना है शौक या नहीं करना है? नहीं, फैमिली वाले तो भड़कते रहते, बोलते ये क्या करते रहता है ऐसा करके। अच्छा, तो आज भी आपकी फैमिली में सिर्फ आपको शौक है कि और भी किसी को? नहीं, सिर्फ मुझे ही शौक है। और दूसरी बात रही कि एक आदमी दिन से सुबह से शाम तक के काम करता है, फिर उसके बाद आप घर पे जाते हो, फिर रात में फिर आके वापस से इसका फीडिंग वगैरह आप खुद देखते हो पर्सनल लेवल पे? देखता हूँ कभी। तो दोनों टाइम का खाना जो देना होता है वो आपके अंडर में ही होता है? अंडर में होता है। और मैंने क्या, पहले ऐसा था कि दो अलग अलग बांधे हुए रहते थे, अभी तो क्या फार्म के ऐसा सब सेटअप बनाया हुआ है कि फीडर्स है उधर, तो फीडर्स में खाना डाल देते तो खाते रहते हैं। अच्छा, तो वो एक मिनी फार्म आपने जो बना के रखा है जो फेमस है कि हैदराबादी गोट का अगर फार्म देखना है तो आपके पास जाओ। अच्छा, इन बिटवीन आपका नॉन सीजन में भी बकरे सेल होते हैं कुछ या आप कुछ? हाँ, ऐसे आपको बुला लेते ना भाई, आप वीडियो बनाते ना तो सेल हो जाते हैं और क्या। अच्छा, तो ये जितने भी बकरे नजर आने वाले इस वीडियो में ये सभी सेल के लिए रहेंगे कि नहीं? नहीं नहीं, हैदराबादी मेरे फिलहाल तो कुछ भी सेल के लिए नहीं रहेंगे। अच्छा, तो लोगों को ये कहता हूँ कि भाई इसके लिए शाहरुख भाई को फ़ोन मत करना, क्योंकि शाहरुख भाई को मैंने कहा हूँ कि आप वीडियो बनाने के लिए, मैंने उनसे कहा हूँ, वो नाराज़ नहीं हो जाएंगे, बोले भाई इसके लिए कॉल आना शुरू हो गया क्योंकि इनका शौक माशाल्लाह बहुत अच्छा है जी। सो शाहरुख भाई, ये तो रही बकरों की बात। फीमेल आपकी सबने पुरानी एक फीमेल है यहाँ पे? हाँ हाँ। तो वो कितने साल से आपके पास? माशाल्लाह 2013 में बॉर्न हुई है मेरी वो फीमेल। ओके। वो अभी 8-9 साल की है। 9 साल हो रहा है। तो वो फीमेल यही है ना? यही फीमेल है, यही फीमेल है मेरी। तो बॉर्न इधर ही हुई, इधर ही बॉर्न हुई है मेरे वहाँ। होम ब्रीड है। इसका नाम चुलबुल रखा हूँ मैंने। चुलबुल। और ये चुलबुल नाम रखने की क्या वजह थी? वो बहुत भागम दौड़ी करती थी पहले से, एक जगह रुकती नहीं थी, ऐसी थी, इसकी वजह से उसका नाम चुलबुल रखा हूँ मैंने। अच्छा, और इससे मतलब कौन कौन से इधर पे बकरे आए हैं? ये इसका ही बेटा है। अच्छा, ये इसका ही बेटा है। इसका नाम है शेरा। शेरा, हाँ। तो ये सारे नाम आप ही डिसाइड करते हो? मैं ही डिसाइड करता हूँ। ये उसका ये दूसरा बेटा है उसके बाद का, इसका नाम हीरो है। अच्छा, हीरो। मेरे ख्याल से भाई इसकी हाइट बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। हाँ, ये इससे छोटा है मगर हाइट और फ्रेम इसकी कुछ अलग ही लेवल की दिख रही है माशाल्लाह। तब क्या आपने शायद रिसेंटली बाल निकाले इसका? हाँ हाँ, अभी गर्मी आ गई है तो बाल निकालना पड़ता है। जी जी, हाँ। भाई इसका हाइट क्या रहेगा फिर भी? 38, 39, 40 तो होना चाहिए, 40 के आसपास होना चाहिए। और ये अभी सिर्फ 4 दांत किया है। अच्छा, अभी 4 दांत। हाँ, ये तो फिर भी 6 दांत 8 दांत के है, ये तो अभी 4 दांत जस्ट किया है। अच्छा, ये बड़ा है, 6 दांत और 8 दांत के आसपास का, ये अभी 4 दांत किया है। एक मिनट, मैं यही से जी, ये देखिए कान देखिए जी, एकदम गुलाबी पिंक स्किन हुई बराबर। आप भाई अगर आपके पास जो हैदराबादी गोट्स का कलेक्शन है, हाँ, और जिस तरीके से आज डिमांड है, तो शाहरुख भाई अगर आप सेल करने जाओ तो अच्छा खासा पैसा मिल जाएगा। वो तो है, मगर असल में क्या है, बचना भी चाहिए ना। अभी लास्ट अक्टूबर-नवंबर के अंदर मेरी 3 फीमेल ऑफ हो गई। अच्छा, तो मोर्टेलिटी भी ये बहुत नाजुक नस्ल रहती है, इनको संभालना बहुत भारी काम है। अच्छा, वो हिसाब से तो मैं क्वेश्चन आपसे करने ही वाला था कि हैदराबादी गोट्स का मैंने ऐसा सुना हूँ कि इम्यूनिटी इस लेवल की नहीं है, अगर वो बीमार पड़ते हैं तो फिर थोड़ा संभालना पड़ता है। तो ये सच बात है? मतलब सच बात है, क्योंकि एकदम गुलाबी पिंक स्किन के रहते हैं वो लोग। अच्छा, हाँ, धूप में नहीं बांधो ऐसा रहता होगा। तो भाई ये सारे ही इतने गर्म है, ये आप अकेले हैंडल कर लेते हो सभी को? हाँ, मैं ही कर लेता हूँ, हालांकि थोड़ा थोड़ा मार भी पड़ जाती है मुझे, फटके मारा। हाँ, फटके पड़ जाते हैं, फिर नहाने करने में फिर पता चलता है, हाँ इधर काला हो गया तो दबाओ उसको, ऐसा रहता है। हाँ, वो बाद में समझ में आता है, जब भी वो टाइम पे नहीं रहता। जी जी, तो एक बार फिर बोल रहा हूँ, इसके किसके लिए भी कॉल ना करें, ये सभी सेल के लिए नहीं है। बट आगे आपके पास कोई दूसरी ब्रीड में, जैसे हैदराबादी में आप बहुत कम करते हो सेल या नहीं करते हो, आगे फिर जैसे कभी कोटा आपके पास था, सिरोही था, जो आपने साइड में सेल करा, मतलब एक शौकिया नहीं आया आपने सेल कर दिया, वो कंटिन्यू नहीं होता, तो ये सब सेल के लिए आता रहेगा यहाँ पे, आते रहते हैं मेरे पास। अच्छा, रिसेंटली अनाया आपकी बेटी ने इस साल फिर से रोज़ा रखा था, और माशाल्लाह बहुत लोगों ने देखा, मुबारकबाद दिया, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। अनाया का क्या इंटरेस्ट है इन बकरों के अंदर? नहीं, वो तो बहुत घबराती है मेरी बेटी, तो वो आती है तो अंदर भी नहीं जाती, मेरी बाइक पे ही बाहर बैठे रहती है, बोली नहीं मैं डैडू, मैं नहीं आऊंगी अंदर, रोते रहती है। और अभी वो बहुत छोटी भी है। छोटी है और माशाल्लाह अभी 5 ईयर्स की है वो। 5 ईयर्स की है, और बकरों से दूर रहती है वो, बहुत दूर रहती है। जी जी, सो घर में सिर्फ आपको शौक हुआ है? हाँ, मुझे भी। जी जी। अच्छा, ये फार्म जो आपका अंदर बना हुआ है, ये सभी आपने अपने हाथ से ही बनाया रहेगा या कैसे शुरू से बन गया, आस्ते आस्ते बकरे बढ़ते गए? हमें आस्ते आस्ते, पहले कैसे 2 थे 4 थे बकरे, तो अलग अलग जगह टीथरिंग करके एक एक रस्सी से बांधे हुए रहते थे। जी आप अच्छे से इधर आ जाइए। हाँ थोड़ा सा चेहरा ब्राइट। जी फिर आस्ते आस्ते एक एक केज बना, फिर दूसरा केज बना, फीमेल सेक्शन अलग हुआ, मेल सेक्शन अलग हुआ। पहले एक सब साथ में रहते थे, फिर थोड़ा मशीन को ये सब डिस्टर्बेंस होने लगा तो अलग अलग केज बनाए, उसकी वजह से आस्ते आस्ते बढ़ाए। फटका मुझे भी पड़ गया था जिसका ऑलमोस्ट। शाहरुख भाई अगर मेरा ऐसा सेटअप होता तो मेरे दिमाग में ये आता यार अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी टॉप क्वालिटी में फीमेल है, मेल है, तो इनके बच्चे मैं सेल करूँ आगे, और जिससे मेरा बच्चे अच्छे प्राइस में भी सेल होंगे, बिजनेस मतलब मेरा बाकी खर्चा भी निकलता रहेगा। कि जो शौक आप इतने सालों से कर रहे हैं तो इसमें तो सिर्फ आपका एक हिसाब से पैसा लग रहा है, शौक के वैसे तो कोई कीमत होती नहीं है। बट उसमें मोर्टेलिटी भी हो गई और एक अच्छा खासा मतलब खर्चा आपका हो गया रहेगा, तो ये शौक आपका काफी महंगा नहीं पड़ गया आपको? महंगा तो है मगर शौक के लिए क्या कर सकते हैं। ये चीज हैदराबादी किसके पास है आप ये बताइए। यानी इस एरिया में तो नहीं है, बॉम्बे में मैं जितना घुमा हूँ हाँ इस क्वालिटी में इतनी सारी चीज़ें नहीं है। इसमें छोटे छोटे बच्चे भी है जो भाग रहे हैं। वो बच्चे जो है मेरे वो दो वो अभी जस्ट रिसेंटली मैंने खरीदा हूँ। अच्छा आपने खरीदे? खरीदे हुए बाहर से, क्योंकि देखिए वो इनब्रीडिंग हो जाती है ना, उसकी वजह से ये जो मेल्स है मेरे उसको मैं ब्रीड नहीं करवाता हूँ ज़्यादा करके। फीमेल्स पे जो बाहर की फीमेल्स है एक दो उन पे ब्रीड कराता हूँ, बाकी वो छोटे बच्चे ले लेता हूँ उनसे ब्रीड कराऊँ जो फीमेल्स रहती है। ओके सो हैदराबादी गोट्स की अगर मैं बात की जाऊँ तो मान लीजिए मुझे कोई बच्चा कोई भी ग्रुप्स में पसंद आता है और मैं प्राइस पूछता हूँ, छोटा सा बच्चा जो घूम रहा है तो उसका डिमांड करते हैं 40,000, 50,000, 60,000 तक कर लेते हैं, 55,000। तो भाई और वो कहते हैं कि भाई इसका अलग कैरिंग है, हम लोग अलग संभालते हैं, या बड़ा बकरा लेने जाओ 60,000, 70,000। तो ये बात सही है कि मतलब इतना लेवल तक पे इसको संभालते हैं या हैदराबाद में? ये तो बात सही है क्योंकि हैदराबाद वाले लोग सब नवाब लोग हैं भाई, वो लोग तो और वहाँ पर जैसा हम लोग इधर नहीं रहते वहाँ पर वैसा गालीचे पे घर के अंदर वो लोग बच्चे लोग को पाल के रखते। और वो भी अभी कैसा, अभी जब मैं लेने जा रहा था ऐसा एक बच्चा तो वो लोग 20,000 बोल रहे थे। 2014 की बात कर रहा हूँ। अच्छा 2014 में तो मैं पूछा तो बोले 3-4 महीने का बच्चा था तो वो 20,000 डिमांड कर रहे थे। वो 25 से 20 पे आए तो कभी नहीं गए, मैं 15, 16, 17 तक का गया लेकिन नहीं बोल रहे थे। तो उन्होंने मैं यही बोला उनको कि भाई वो टाइम पे 20,000 में तो 50 किलो का मेरे को राजस्थानी बकरा आ जाएगा। तो वो सीधा मुझे यही बोले भाई कि भाई वो आएगा मगर उनको क्या खर्चा है राजस्थान वाले लोग को, खाली वो लोग चराते करते और लेके आते यहाँ पर, और यहाँ पर क्या हमको दूध पिलाना पड़ता है, उसको ब्रीडिंग के लिए भी पैसा लगता है उनको, वो हिसाब से इतना कॉस्टिंग हो जाती है। जैसा बॉम्बे में कैसा हम लोग पालते तो कॉस्टिंग बढ़ जाती है, वो हिसाब से वो लोग भी घर में पालते। इसमें दो बातें मैं करना चाहूँगा। पहला तो राजस्थान वाले चराते वो ठीक है, उसमें बहुत लोग चराते भी और बहुत लोग नहीं, मैं 2014 की बात कर रहा था, वो टाइम पे इतने फार्म्स नहीं थे। राइट, बट अभी भी राजस्थान में हम लोग जहाँ गए वो लोग भी मतलब बहुत खर्चा कर रहे हैं। हाँ ला रहे हैं, हरी पत्ती ऐसा भरी पड़ी है, सारा सामान भरा, क्योंकि जगह का प्रॉब्लम नहीं है। बड़ा बड़ा जगह होता है, पूरे फीट जैसा एक एक घर भर के मतलब कैबिनेट बोल सकते हैं, हमारा एक कैबिनेट हो गया, उनका एक घर हो गया भाई। इसने इस रूम में हरी पत्ती मतलब एक स्टोर रूम पकड़ सकते हैं, ये स्टोर रूम, ये स्टोर रूम वन, तो काफ़ी वहाँ पे भी हो गया और बहुत लोग चराने में उनका काफ़ी अच्छा निकल जाता है। मेरे एक दोस्त है सईद भाई करके, हमारे हैदराबाद के हैं, हमारे बहुत खास दोस्त हैं। उन्होंने कहा था भाई आप टाइम निकाल के हैदराबाद आओ, और सईद भाई ने कहा था देखो हम लोग कैसा संभालते हैं बकरों को, वो पूरा इंडिया में नहीं संभालते, हम लोग गद्दा देते, सब देते, और बोले ज़रूरत पड़ने पे एसी भी चालू करके फेंकते अंदर बकरे को। तो बात तो सही है कि जैसा कैरिंग होता है वैसा रिजल्ट होता है। जी तो ये तो भाई बात रही आपके शौक की। अच्छा आपका जो शौक है वो लिमिटेड लोगों ने ही देखा है या आपके बहुत खास दोस्तों ने देखा है? अगर कोई आए ये वीडियो देख के भाई आप बकरेबाज कोई भी नहीं मतलब अच्छा बकरेबाज, एक बार आपका भाई शौक देखना चाहता हूँ, देखते हैं काफी लोग आगे देखते हैं, आपके नाम से भी मेरे दूसरे दोस्त लोग के नाम से भी आते देखते, तो आप सपोर्ट करोगे? हाँ सपोर्ट करेंगे कि भाई आपने कैसे एक मिनी फार्म बनाया, पीछे जो गाला दिखा रहा है ये पहला गाला है, उसके बाद एक और गाला है, और बच्चों के लिए राइट में आपने छोटा सा बनाया है, केज बना दिया। जी दूसरी बात और ये है कि ना इलाज कैसा है, या आप खुद करते हो इतने लोगों का? हाँ ज़्यादा करके तो ट्रीटमेंट मेरा ही रहता है। मेरे एक डॉक्टर है, डॉक्टर कुंदन तांबे करके। अच्छा हाँ, वो वो विजिट करते कभी कभार, ज़्यादा करके वही मुझे बता देते कि ये करो वो करो ऐसा करके, उनकी वजह से ही मेरे बकरे आज ऐसे हैं। तो तांबे साहब तो वैसे भी बहुत सपोर्टिव है जितना मैं सुना हूँ, हाँ, कि वो हमेशा सपोर्ट करते हैं, गाइड करते हैं। हाँ जी जी। तो आपको भी कोई अगर कॉल करके पूछे, बट उस पर कोई ये नहीं होती श्योरिटी के भाई आदमी डरता है, मुझे इतना नहीं मालूम है, मैं तो पूछ के करता हूँ, जैसा छोटा मोटा इलाज हो, चलो ये हो गया तो दे सकते हैं, मगर एकदम बीमार है तो डॉक्टर बुला लो, डॉक्टर को बुला लो, तो वही अच्छा रहता है। सबसे अच्छी बात है डॉक्टर बुला लो, बेटर, हाँ, क्योंकि हमको पता नहीं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। सही बात है। और हाँ, सो मैंने आपसे कहा था कि आपने कभी ऐसा सोचा है कि बच्चे सेल करने का? नहीं, बच्चे तो मैं नहीं सेल करता हूँ, क्योंकि क्या हो रहा है कि बच्चे लोग मंगाते हैं हैदराबाद से। हाँ बोलिए। तो आपके दिल में कभी नहीं आया कि मतलब मैं सेल करूँ, मेरा खर्चा निकल जाएगा? नहीं नहीं, मैं बच्चे सेल करने का कभी सोचता नहीं, कभी नहीं। घर के जो बच्चे रहते हैं वो नहीं सेल करता हूँ। अच्छा, अभी देखिए मैं अभी मेरे पास इतने सारे, फिर भी मैंने 2 मंगाया हूँ। अच्छा, लास्ट मंथ। अभी अभी फिर भी मैं देख रहा हूँ एक आध फीमेल बच्चा या फीमेल किड कोई लेने के लिए। अभी बड़ी फीमेल लेने के लिए तो और लाखों लगते हैं, इसलिए हम लोग छोटा मोटा ही छोटे बच्चे ले लेते हैं जी। और जो छोटे से बच्चे बड़े होते हैं वो बात ही अलग हो जाती है। बराबर। अच्छा सर भाई बताइएगा, अगर आपकी फेवरेट ब्रीड हैदराबादी गोश्त नहीं होती तो कौन सी ब्रीड होती? अगर ये नहीं होती तो फिर सोजत रहती है। सोजत, चलो आप मेरी फेवरेट ब्रीड पे आ गई। मेरे को मेरा फेवरेट सोजत है, लोगों को बोलते हैं कॉमन ब्रीड है, मतलब भाई बाप ने को बहुत पसंद है, मगर खूबसूरती में बहुत अच्छे दिखते हैं वाइट जो रहते हैं। हाँ सोजत, क्योंकि जो आपका ये वाला बकरा मैंने देखा हूँ जो फिलहाल, जो इसके अंदर एक वाइटपन एक अलग आ रहा है। हाँ। और जब मैं राजस्थान विजिट किया और जो मैंने भी बकरा वहाँ से लिया था तो वो वाइटपन एक अलग झलकता है। बराबर। तो वो मुझे सोजत में नजर आता है और बड़ा प्यारा लगता है वो। हालांकि ये बोले आपने, मगर अभी देखिए बॉम्बे में ना वाइट लोगों को पसंद है, राइट? हाँ, मगर अभी आप बैंगलोर में जाएंगे वहाँ भी हैदराबादी है, राइट? वहाँ पर वहाँ सब लोग है ना ब्राउन ब्राउन डार्क ब्राउन पसंद करते हैं, वो तरफ में वो लोग है ना नासी बोलते हैं। हाँ, नासी नासी बोलते हैं हैदराबाद में भी, वो लोग नासी ही पसंद करते हैं ज़्यादा करके। हाँ। नासी और अबलक। गुलाबी जो है वो ज़्यादा करके बॉम्बे गुजरात अभी ज़्यादा डिमांड हो गया है क्रॉस ब्रीडिंग की वजह से, वो सब वहाँ तो नासी ही पसंद करते हैं ज़्यादा करके। और नासी में भी यहाँ तो बहुत कम क्वालिटी के ऐसे दिखते हैं, वहाँ तो और इससे भी भारी भारी रहते हैं, जो 20 इंच 24 इंच के कान रहते हैं और चौड़ाई में भी 9-10 इंच रहती है उनकी जी क्वालिटी। तो अच्छी बात यह है कि अपने एरिया में कुछ ऐसे शौक और जैसे आप हैदराबादी गोश्त का कर रहे हैं और भी अपने चोर बाजार के अंदर है जो भाई लोग पाल रहे हैं बट नॉट फॉर सेल, खाली शौक कर रहे हैं। बराबर। और उस पर इतना बोलते हैं ना जानो माल लगा रहे हैं, उसमें मॉर्टिलिटी भी बर्दाश्त कर रहे हैं, खर्चा सारा बर्दाश्त कर रहे हैं। और आप लोगों को देख के शौक अच्छा लगता है कि बकरों का शौक बढ़ता जा रहा है। मैं यही बोलूँगा कि कोई हैदराबादी रखेगा ना तो उसको पता चलेगा कि क्या रुबाब में रहता है, कैसा रहता है, जो उसका लुक वाइज। अब छोड़ते हैं तो चल के आता है तो उसके कान जो हैंग होते हैं ऐसे, हैंग होते हैं पूरा, कुछ बात ही अलग हो जाती है लुक की। एक्चुअली जो कान स्विंग होते हैं वो लहराना बड़ा प्यारा लगता है, स्लो मोशन और प्यारा लग जाता है। बराबर बराबर जी जी जी। सो इनमें से कभी कुछ सेल के लिए नहीं होगा? नहीं नहीं। और कुछ अगर आया कुछ दूसरा ब्रीड में सेल के लिए? सेल के लिए रहते हैं सोजत बच्चे हैं मेरे पास फिलहाल देने के लिए, एक कोटा है दे देंगे। अच्छा हाँ, तो वो अगर किसी को चाहिए तो आके देख सकते हैं। अभी वो दिखाना है वीडियो में, अगर आपको आपको दिखाना है दिखा देते हैं, अगर वो सेल के लिए देना है। हाँ तो चलते हैं हम वो देख लेते हैं। ठीक है जी। कहाँ अंदर ही हो? हाँ अंदर ही। तो अंदर एक फार्म का सेटअप भी देखते हैं। भाई ये बर्बरा है? हाँ बर्बरा है। ये सेल के लिए नहीं है, ये भी दे देंगे अगर किसी को चाहिए। वो खस्सी है, वो मगर बहुत मारता है, बहुत करता है वो। अच्छा तो हाँ। ये बहुत गर्म है, अभी शराफत में खड़ा है। वो हम लोगों से नहीं लड़ता है मगर बकरों से बहुत लड़ता है। अच्छा भड़कता हो। तो ये भी किसको चाहिए तो ले सकते हैं। और फ़ोन हैदराबादी गोश्त के लिए ना करें, ये बर्बरा एक है, इसका प्राइस बता देंगे भाई। फ़ोन नंबर भाई का, मोबाइल नंबर स्क्रीन पे चल रहा था। उसके बाद ये 2 सोजत है, 3 से 4 महीने के बच्चे होंगे ये 2 से अच्छी क्वालिटी के, लंबी लेंथ वेंथ देखिए जी। ब्राउन वाला थोड़ा बड़ा है, ये थोड़ा छोटा है वेट में। अच्छा हाँ वेट में ये थोड़ा बड़ा है, ये थोड़ा ब्राउन ब्राउनिश में रेड। अच्छा तो प्राइस इसमें कुछ अपन ओपन करेंगे या फिर पर्सनल मिलके ही बता देंगे? प्राइस में ये 21,000 डिमांड कर रहा हूँ मैं इसका। इसका? हाँ, दोनों का। दोनों का? हाँ। तो ये दोनों 21,000 में आप दे दोगे जी। तो इसमें कुछ प्राइस नेगोशिएबल हो जाएगा आपके लिए? कर देंगे भाई, कर देंगे। अच्छा, जो होगा आप कर दीजिएगा। कर बात है। ये आपका मेडिसिन सेक्शन है। हाँ, सारी मेडिसिन होती है अंदर। ये फैंस वगैरह सबके लिए लगे हुए। ये पूरा मेडिसिन और भाई का कारोबार पीछे चलता है। ये मेरा कोट है, ये पहले भी आपके चैनल पे आया है। हाँ, तो ये सेल के लिए ओपन है। ये भी सेल के लिए। भाई रुबाब में तो बहुत अच्छा है ये। ये भी 6 रात का है। 65-70 किलो के बीच में है वो, और 38-39 हाइट हो गई। तो अभी भी अंडुली है? हाँ, अंडुली जी जी। भाई अपने पास कब से है? साल भर, साल भर हो गया। साल भर हो गया, और साल 1.5 साल से मेरे पास। 30 किलो का बच्चा था जब लिया था। हाँ, अभी काफी बड़ा हुआ है माशाल्लाह। और इसके अलावा और कुछ है सेल के लिए अपने पास? नहीं, और तो कुछ नहीं है सेल के लिए। हाँ, एक बार गाला अपना आप ही देख रहे थे भाई। ऑलमोस्ट 50% जगह तो आपने बकरेबाजी में ले लिए। तो कभी घर भर से डांट पड़ी? हाँ, डांट तो पड़ते रहती है। हाँ, ये मेरी एक पतीरा फीमेल है, हाईपैट फीमेल है। हाँ, येलो आइस की है वो। हाँ, वो ऐसा मैं हैदराबादी क्या दूध के लिए थोड़े कम रहते, तो बच्चे लोग को दूध पिलाने के लिए फीमेल मैंने खरीदा था। अच्छा। हाँ, तो दूध का भी बैकअप रखना ही पड़ता है माशाल्लाह। उसके लिए आपने एक फैमिली लेके रखा है। हाँ, एक कोटा फीमेल भी थी, फिर वो आपके चैनल के थ्रू निकाल दिया था मैंने जी। वो जो एक कोटा क्रॉस फीमेल है मेरी। वो जो मेरा शेरा है उसकी बेटी है वो। अच्छा, ये शेरा की बेटी है? शेरा की बेटी है, वाइट आइज में। और ये मेरा एक बकरा था छोटे नवाब करके, वो ऑफ हो गया है, उसकी बेटी है। छोटे नवाब, तो नाम भी एकदम हैदराबादी स्टाइल में रखे है। और ये साल मैंने कुर्बानी किया, वो मेरे लास्ट ईयर मतलब नवाब करके एक बकरा था, उसकी मैं कुर्बानी किया। अच्छा। वो भी माशाल्लाह बहुत बड़ा था, 19 इंच के कान थे उसके, गुलाबी। उसी के तो बेटे हैं सब जो बाहर है। अच्छा, तो मेरे दोस्त लोग जो मुझे हैदराबाद बुला रहे थे, सईद भाई लोग। हाँ। मैं उनको बोल दूंगा भाई मैं हैदराबादी आज आ गया, हैदराबाद आके और ये वीडियो लिंक भेज दूंगा। हाँ। भाई ये सेल के लिए निकाले थे? नहीं नहीं, हो गया। हाँ, ये फिलहाल सेल के लिए नहीं है, हो चुका है इसका सेल। सो माशाल्लाह शाहरुख भाई, बहुत अच्छा लगा आपका शौक देख के। और काम के साथ, कारोबार के साथ में आप जो शौक कर रहे हो, ये मुश्किल होता है मैनेज करना, मुश्किल होता है घर वालों को संभालना। वो तो बहुत बड़ी बात है। इसमें कुछ मोर्टेलिटी, कुछ नुकसान घर वालों से छुपाना भी पड़ता है। ये बात तो सही बोले। हाँ, बट अभी मालूम पड़ गया, आप घर वाले वीडियो देख रहे होंगे जी। नहीं, क्या बीमार पड़ते तो माइंड तो अपसेट रहता है, भाग के आना पड़ता है, ये इंजेक्शन देने का, वो इंजेक्शन देने का टाइमिंग। कभी रात को आना पड़ता है 11-12 बजे, कभी कभी तो बच्चे देने वाली रहती है बकरी, तो भाग भाग के आना पड़ता है बकरी। एक बार मेरी जो चुलबुली है उसने 1 जून को बच्चा दी है। 1 जून लास्ट ईयर? नहीं, बहुत टाइम हुआ था उसका। मेरे उसके अंदर रहेगा, उसके वो बच्चे का नाम था डॉन। मैं 10 बजे तक इधर बैठा था, कारखाना बंद करके बैठा था कि देगी 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 करते करते, फिर वापस मैं घर पे चला गया। दूसरे लोगों को बुला के देखते रहना, बोलना मेरे को। वो भाई ने मेरे को 11 बजे, 11:15 बजे भी फ़ोन करके बोले नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, और फिर भी मैं आ गया इधर 12 बजे के टाइम पे, और उसने दे दी बच्चा मेरे सामने। तो दिल नहीं मानना था अलहमदिल्ला, और आपको भी एक अल्लाह ताला से एक इशारा मिल गया। हाँ, ये जाना चाहिए। हाँ जी जी। सो ये बेजुबान जानवर उन लोग तो बोलेंगे नहीं, हमको ही आके देखना है। सही बात है भाई, जिम्मेदारी है उन लोग की, और क्या बोलूँगा। सो बहुत बहुत शुक्रिया भाई, रमज़ान में आपने मुझे टाइम दिया। और ये भले चाय पे चर्चा शो है, चाय नहीं हुई अपनी रमज़ान चल रहा है। हाँ। और वैसे भी हम लोग इधर आके चाय पीते रहते हैं शाहरुख भाई के पास, बहुत वेलकम पर्सन है। मेरे पहले वीडियो में शाहरुख भाई खड़े थे और मैं तो जीरो था, आपने मुझे राइड वगैरह किए हो गए। और आप तो अलहमदुलिल्लाह अभी बढ़ते ही जा रहे हैं भाई, अलहमदुलिल्लाह। आपके वीडियोस में देखता हूँ ना, तो पहले आप बनाए थे, इतना एफर्ट डालते हैं ना एक एक वीडियो में, मुझे बहुत अच्छा लगता है भाई। नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने मतलब आगे बढ़ाया और आप दोस्त लोगों ने साथ दिया। और शाहरुख भाई आप जैसे लोगों ने मुझे सपोर्ट किया, जो पहले वीडियो में 0 सब्सक्राइबर में जो आप साथ में खड़े थे, आज भी साथ में हैं। और सभी बकरेबाजियों का जो मेरे साथ है, जिनसे कोई मेरी बुराई लगती होगी, जो सोचते होंगे मेरी किससे बुराई नहीं है, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया मेरा साथ देने के लिए। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया भाई, तो चैनल के साथ जुड़े रहे। और एक चीज मैं भूल गया था, इंस्टाग्राम पे तो आपका अपडेट नहीं होता है शायद? नहीं नहीं, आपका यूट्यूब चैनल है जिसपे बहुत अच्छा शौक दिखता है। हाँ, तो नाम बता दीजिए एक बार। यूट्यूब के ऊपर शाहरुख मर्चेंट करके मेरा चैनल है, आप लोग उनको सब्सक्राइब कीजिए। चैनल साइड में चल रहा है लेफ्ट में अभी। हाँ, उसके ऊपर मुझे बहुत मैसेज आते हैं, नंबर में डालता नहीं हूँ जल्दी उसको, क्योंकि सेल के लिए नहीं रहता है। बहुत जन मैसेज किया, नंबर डालो भाई, नंबर डालो करके। अभी आप लोगों को नंबर मिल जाएगा भाई। तो अभी आप परेशान होने के लिए तैयार हो जाए। तैयार है। तो अपने बकरेबाजी वाले भाई लोग है सब, वो बहुत परेशान भी करते हैं, लेकिन क्या करे, शौक है जो कंट्रोल नहीं होता है। शौक कैसा, देखने से ही बढ़ता है जी। कोई भी चीज आप देखते हैं तो बस हाँ हमको भी चाहिए वो चीज, उससे ही शौक बढ़ता है और कुछ नहीं। जी जी, सो बहुत बहुत शुक्रिया बोलूँगा, क्योंकि आपने ये चीज़ें, अब फ्रंट कैमरा इतना नहीं आया, ये चीज़ें अपना शौक नहीं बताया। अब किसी को बोलूँ, बोला हाँ यार उधर लोग जाके देखने के लिए आपके पास तरह बोल रहे यार, टाइम निकाल के शाहरुख भाई के पास जाना है, लेकिन कभी शाहरुख भाई से बात नहीं हुई यार। मैं बोला भाई बहुत वेलकम पर्सन है, चले जाओ। जो बंदा 0 सब्सक्राइबर को सपोर्ट कर सकता है, रेफरेंस दे सकता है। आपने 2-3 जगह मुझे भेजा था वीडियो बनाने के लिए उस टाइम में, मतलब चैनल शुरू होके मेरा 4-5 दिन हुआ था, और आपने मुझे भेजा था, वो मुझे आज भी याद है। ग्रैंडवुड पे 3 रेफरेंस दिए थे आपने। अल्हम्दुलिल्लाह आपने बहुत सपोर्ट किया और सभी को बहुत सपोर्ट किया। आप मेरे साथ खड़े हो, गोडजोन सुफियान के साथ खड़े हो, और ऐसे जो हम लोग छोटे मोटे यूट्यूबर्स हैं उनको बहुत सपोर्ट मिलता है आप जैसे लोगों की वजह से। तो आप जैसे लोग बकरेबाजी में होना बहुत ज़रूरी है जी। तो जज़ाकल्लाह खैर भाई, शुक्रिया भाई, अल्लाह हाफिज़।